क्या दवाई हमेशा कड़वी गोली ही होती है? क्या वो कुछ और भी हो सकती है? ऐसी दवा जिससे बच्चे दूर न भागें, बल्कि उसे मांगें। क्या ऐसी दवा सचमुच असर कर सकती है? करीब 250 साल पहले एक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हनेमन ने ऐसे चिकित्सा सिद्धांत पर काम करना शुरू किया जिसने आगे चलकर चिकित्सा का नक्शा ही बदल दिया। एक महत्वपूर्ण चिकित्सा अध्ययन में दावा किया गया कि सिंकोना बार के कड़वेपन और कठोरता के कारण पेट ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर हनेमन का तजुर्बा कुछ अलग था। सिमिलिया सिमिलबस करेंटर यानी एक जैसी चीजें एक दूसरे को ठीक करती हैं और यही होम्योपैथी का आधार है। एक जैसी चीजों के एक दूसरे को ठीक करने का अर्थ है, यदि ए पदार्थ से किसी स्वस्थ शरीर में एक्स लक्षण पैदा होता है तो वही पदार्थ किसी अलग रूप में एक रोगग्रस्त शरीर में एक्स लक्षण का इलाज करेगा। भारत को, जो हमेशा से ऐसे विचार अपनाता रहा है जो प्रकृति के अनुकूल हों, होम्योपैथी का पहला अनुभव 1839 में हुआ, जब पंजाब के शासक महाराजा रंजीत सिंह की स्वर तंत्री के पक्षाघात का इलाज डॉक्टर जॉन मार्टिन होमिकबर्गर ने जलोदर विधि से किया। तब से भारत में होम्योपैथी कई गुना लोकप्रिय हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंद और डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महापुरुषों ने भी होम्योपैथी का समर्थन किया। लगता है कड़वाहट या कष्टदायी शल्यक्रिया की हिंसा के बिना इलाज की मिठास बापू जैसे महापुरुष को पसंद आई होगी, जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शाकाहार अपनाया और प्रकृति के करीब रहे। छोटी और मामूली सी दिखाई देने वाली गोलियों और अजीब सी गंध वाली बूंदों ने ऐसे अनेक मरीजों को राहत दी जो लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे थे। न कोई गलत असर, न कठोर तौर तरीके और न ही मुंह में कोई अप्रिय स्वाद। चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी ने अनेक रोगियों को ठीक किया और कई लोगों का दिल जीता। जैसे जैसे होम्योपैथी में लोगों का विश्वास बढ़ा, वैसे वैसे इसमें चिकित्सकों की दिलचस्पी बढ़ी। होम्योपैथी की मांग बढ़ने लगी क्योंकि इसने इलाज का एकमात्र साधन कड़वी गोलियों की तुलना में स्वादिष्ट विकल्प पेश किया। 1973 में भारत सरकार ने संसद में केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद कानून पारित करके इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी। इसकी शिक्षा के उच्च मानक तय करने और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसका नियमन करने की आवश्यकता महसूस हुई। होम्योपैथी की उचित प्रगति और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई संस्थान स्थापित किए। 1962 में होम्योपैथी भेषज संग्रह समिति, 1974 में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, 1975 में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और 1978 में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री कानून 1940 तथा औषध एवं जादू टोना उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 लागू होता है। इन कानूनों और इनके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन दंडनीय है और राज्यों के औषध लाइसेंसिंग अधिकारी इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। डॉक्टर पीसी मजूमदार और डॉक्टर डीएन रॉय के प्रयासों से पहला होम्योपैथी कॉलेज 1881 में कोलकाता में खुला। 1974 में बनी केंद्रीय होम्योपैथी परिषद ने होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकों के पंजीयन का काम हाथ में लिया। 1983 से पहले होम्योपैथी के केवल 2 से 4 साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलते थे। 1983 में 5.5 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम शुरू हुआ और इस समय देश में 180 कॉलेजों में होम्योपैथी में डिग्री स्तर की पढ़ाई हो रही है। स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई 7 विषयों में उपलब्ध है। 32 कॉलेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था है। इस पद्धति में उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1975 में कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना की गई,
इस पद्धति की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस समय भारत में लगभग 2 लाख पंजीकृत होम्योपैथी चिकित्सक हैं। चिकित्सकों की बढ़ती संख्या और होम्योपैथी उपचार की मांग में लगातार वृद्धि को देखते हुए इस विषय में योजनाबद्ध अनुसंधान और विकास की जरूरत हुई। भारत सरकार द्वारा 1978 में स्थापित केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 40 संस्थान और इकाइयां काम कर रही हैं। होम्योपैथी उपचार में आचरण के उच्च स्तरों का पालन होता रहे, इसके लिए परिषद द्वारा रोग विषयक अनुसंधान, औषधि परीक्षण अनुसंधान, रोग विषयक जांच अनुसंधान, औषध मानकीकरण अध्ययन, सर्वेक्षण, जड़ी बूटियों का संग्रह और उत्पादन तथा सैद्धांतिक शोध कार्य जैसी गतिविधियां चलाई जाती हैं। परिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ बीमारियों के लिए कुछ कारगर दवाओं की पहचान की है। ये रोग हैं फिलेरिया, मलेरिया, मधुमेह, एचआईवी, एड्स आदि। गाजियाबाद में 1975 में स्थापित होम्योपैथी औषध संग्रह प्रयोगशाला ऐसा शीर्ष संस्थान है जहां होम्योपैथी दवाओं तथा तैयार उत्पादों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के मानक तय होते हैं। ये संस्थान कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। ये हैं जड़ी बूटियों का उत्पादन, होम्योपैथी दवाओं के मानकों की जांच और पुष्टि, दवाओं की शुद्धता और गुणवत्ता की जाँच। ये गुणवत्ता नियंत्रण का उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है। कठोर दिशा निर्देशों तथा सटीक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है ताकि दवाओं की उच्चतम गुणवत्ता बनी रहे। देश के कई प्रमुख अस्पतालों ने भी अब होम्योपैथी का महत्व स्वीकार कर लिया है और अलग होम्योपैथी विभाग बनाए हैं जिनमें प्रशिक्षित चिकित्सक होते हैं। निस्संदेह आने वाले वर्षों में होम्योपैथी से इलाज कराने और करने वालों की संख्या काफी बढ़ेगी। ये पद्धति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अति उच्च शक्ति की कम मात्रा की होम्योपैथी दवाओं के प्रभाव को देखकर अन्य विषयों के वैज्ञानिकों को भी नए प्रयोग करने की प्रेरणा मिली है और अनुसंधान के नए क्षितिज खुले हैं। देश में दूसरी सबसे ज्यादा प्रचलित चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। ये पद्धति आम भारतवासियों के हित में है। सर्वसुलभ, सस्ती, कारगर, बिना प्रतिकूल प्रभाव वाली होने के कारण होम्योपैथी भारत के असंख्य लोगों को पसंद है, क्योंकि यहाँ प्रकृति की पूजा होती है।